मंच पर शफीक रिठौरवी साहब यहाँ उपस्थित हैं, बड़े कुशल संचालक हैं, हम सबके बड़े प्रिय हैं। मैं मोहब्बत के शायर हैं, मैं उनको आमंत्रित करना चाहता हूँ एक बार जोरदार तालियों से, शफीक रिठौरवी को आमंत्रित करें और सुने। गजब के शायर हैं, हम सबके बड़े प्रिय भाई शफीक। मतलब पेश करता हूँ, समाप्त कर लें। कौमी एकता के लिए एक शेर, एक मतलब दो शेर तहत में सुने कि मोहब्बत की नज़र तेरी जो मेरे यार हो जाए, मोहब्बत की नज़र तेरी जो मेरे यार हो जाए, तो फिर ये ज़िंदगी अपनी गुले गुलजार हो जाए। मोहब्बत की नज़र तेरी जो मेरे यार हो जाए, तो फिर ये ज़िंदगी अपनी गुलो गुलजार हो जाए। और मोहब्बत नुमाइश कर रहा है जो दिलों के सौदेबाजी की, आनंद भाई नुमाइश कर रहा है जो दिलों के सौदेबाजी की, मेरे मौला उसे भी तो किसी से प्यार हो जाए, मेरे मौला उसे भी तो किसी से प्यार हो जाए। और मेरा और उसका आंगन तो, मेरा और उसका आंगन तो लगे है एक घर जैसा, मेरा और उसका आंगन तो लगे है एक घर जैसा, तो तू क्यों चाहता है बीच में दीवार हो जाए, तो तू क्यों चाहता है बीच में दीवार हो जाए। मेरा और उसका आंगन तो लगे हैं एक घर जैसा, मेरा और उसका आंगन तो लगे हैं एक घर जैसा, तो तू क्यों चाहता है बीच में दीवार हो जाए, तो तू क्यों चाहता है बीच में दीवार हो जाए। और ये शेर भी बतौर खास, जरा ये सोचो वो बुढ़िया किसी की माँ है जनाब, वाह। जरा ये सोचो वो बुढ़िया किसी की माँ है जनाब, है जिसके जिस्म पे कपड़े फटे फटाए हुए, है जिसके जिस्म पर कपड़े फटे फटाए हुए। जरा ये सोचो वो बुढ़िया किसी की माँ है जनाब, जरा ये सोचो वो बुढ़िया किसी की माँ है जनाब, है जिसके जिस्म पे कपड़े फटे फटाए हुए, है जिसके जिस्म के कपड़े फटे फटाए हुए। और बतौर खास शेर सुने, वो जिसने चूम कर माथे हमारे पाला है, वो जिसने चूम कर माथा हमारे पाला है उसके पाँव में जूते गठे गठाए हुए, है उसके पाँव में जूते गठे गठाए हुए, है उसके पाँव में जूते गठे गठाए हुए। और अमीरे शहर के ऐबों को कौन गिनता है, अमीरे शहर के ऐबों को कौन गिनता है, हमारे ऐब है खुलते ढके ढकाए हुए, हमारे ऐब है खुलते ढके ढकाए हुए। और सुनाने वाले कोई बात हो नहीं तो सुना, पवन भैया एक घंटा दूंगा बात करने के लिए, नहीं आप पढ़े भैया, कि सुनाने वाले कोई बात हो नहीं तो सुना, क्या बात है सभी भाई, सुनाने वाले कोई बात हो नहीं तो सुना, वाह वाह। सुना नहीं हमें किससे सुने सुनाए हुए, सुना नहीं हमें किससे सुने सुनाए हुए, सुना नहीं हमें किससे सुने सुनाए हुए। चलिए सर, मैं तरन्नुम में दो तीन शेर पढ़ के अपनी जगह लेता हूँ। मतलब पेशे खिदमत है गजल का, कि यूं तबीयत तेरे आने से बहल जाती है, यूं तबीयत तेरे आने से बहल जाती है, बहुत खूब। यूं तबीयत तेरे आने से बहल जाती है, लड़खड़ाती हुई हर सांस संभल जाती है, लड़खड़ाती हुई संभल जाती है, लड़खड़ाती हुई हर सांस संभल जाती है। और शेर समाप्त कर लें,
कि तुमने सोचा है कभी किस लिए कोई औरत, तुमने सोचा है कभी किस लिए कोई औरत, गैरतें छोड़ के बाजार निकल जाती है, गैरतें छोड़ के बाजार निकल जाती, क्या बात है सभी भाई, गैरतें छोड़ के बाजार निकल जाती है। और ये भी शेर बतौर खास, गैरतें छोड़ के बाजार निकल जाती है, ऊंचे महलों को बनाना तो है आसान मगर, चेतन भैया तवज्जो, के ऊंचे महलों को बनाना तो है आसान मगर, ऊंचे महलों को बनाना तो है आसान मगर, घर को घर करते हुए उम्र निकल जाती, क्या बात है क्या बात है, घर को घर करते हुए उम्र निकल जाती है, घर को घर करते हुए उम्र निकल जाती है। और क्या हुआ तूने बुरे वक्त में जो छोड़ा है, क्या हुआ तूने बुरे वक्त में जो छोड़ा है, वक्त के साथ तो हर चीज बदल जाती है, वक्त के साथ तो हर चीज बदल जाती है। और बतौर खास ये शेर समाप्त करें कि इस तरह मुझसे छुड़ा कर वो गया है दामन, क्या बात है सभी भाई, वाह वाह वाह, इस तरह मुझसे छुड़ा कर वो गया है दामन, इस तरह मुझसे छुड़ा कर वो गया है दामन, जैसे मुट्ठी से कोई रेत फिसल जाती है, जैसे मुट्ठी से कोई रेत फिसल जाती है, जैसे मुट्ठी से कोई रेत फिसल जाती है। और गजल का आखिरी शेर समाप्त कर लें कि मैं तो हैरान हूँ मौजूदा सियासत तेरी, बहुत हो, मैं तो हैरान हूँ मौजूदा सियासत तेरी, मैं तो हैरान हूँ मौजूदा सियासत ते, काफिया के लिए दाद चाहूंगा गौर भाई, अगर था काफिया किसी ने लगाया हो तो बताओ, कि मैं तो हैरान हूँ मौजूदा सियासत तेरी, मैं तो हैरान हूँ मौजूदा सियासत तेरी, ये अजब भूख है इंसान निगल जाती है, ये अजब भूख है इंसान निगल जाती है, मैं तो हैरान हूँ मौजूदा सियासत तेरी, ये अजब भूख है इंसान निगल जाती है, ये अजब भूख है इंसान निगल जाती है। और मक्ता दुआओं के साथ समाप्त कर लें कि हौसला जिसमें हो मंजिल पे पहुंचने का शफी, हौसला जिसमें हो मंजिल पे पहुंचने का शफीक, हौसला जिसमें हो मंजिल पे पहुंचने का शफीक, उसके कदमों से तो चट्टान पिघल जाती है, उसके कदमों से तो चट्टान पिघल जाती है, हौसला जिसमें हो मंजिल पे पहुंचने का शफीक, उसके कदमों से तो चट्टान पिघल जाती है। मेरी बिगड़ी हुई तकदीर,
संवर जाने दो मेरी बिगड़ी हुई तकदीर, संवर जाने दो मेरी बिगड़ी हुई तकदीर, संवर जाने दो अपनी आगोश में कुछ देर, ठहर जाने दो अपनी आगोश में कुछ देर, ठहर जाने दो। और उसने मतलब भी समाप्त कर ले कि रंग कुछ और घटाओं का निखर जाने दो, रंग कुछ और घटाओं का निखर जाने दो, अपने शाने पे जरा जुल्फ बिखर जाने दो, अपने शाने पे जरा जुल्फ बिखर जाने दो। संजय भैया शेर सुने कि देख लेना के सरे बज्म है किसका चर्चा, देख लेना के सरे बज्म है किसका चर्चा, चंद लम्हे तो अभी और गुजर जाने दो, चंद लम्हे तो अभी और गुजर जाने दो। हासले गजल शेर समाप्त करें कि बैठो, सब पवन भैया आपकी नजर में कि बैठो कुछ देर अभी और चले भी जाना, बैठो कुछ देर अभी और चले भी जाना, बैठो कुछ देर अभी और चले भी जाना, झील में चांद को पूरा तो उतर जाने दो, झील में चांद को पूरा गांव के साथ और बस के ऐ शफी कितनी तो लाजिम है मोहब्बत में खुदी, ऐ शफी कितनी तो लाजिम है मोहब्बत में खुदी, वो अगर बच्चे के गुजरता है गुजर जा। वाह वाह वाह।